हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में ही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल 4 के 13 दिनों के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और दोस्तों, साथ ही में जानने वाले हैं कि इस फिल्म ने अभी तक किन किन बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार के अलावा रितेश देशमुख और बॉबी देओल नजर आए हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो 1419 से सितंबगढ़ से शुरू होती है, जहां अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े से प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी वजह से ये सब जुदा हो जाते हैं और फिर 600 सालों बाद इन सभी का पुनर्जन्म होता है। इसी के ऊपर बनाई गई दोस्तों ये एक रीइनकॉर्नेशन कॉमेडी फिल्म है, जिसे की डायरेक्ट किया है साजिद फरहाद ने। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3900 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, जिस कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो मात्र 19.8 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि दोस्तों ये कमाई हाउसफुल फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में लगभग 54 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अपने फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 141.31 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का जो चौथे दिन का कलेक्शन था वो काफी ताबड़तोड़ रहा और इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए थे 34.56 करोड़ रुपए। बताया चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भले ही नेगेटिव रिव्यूज दिए हो, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकंड वीकेंड की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड वीकेंड में लगभग 32 करोड़ की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करी। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने वीकडेज में भी काफी अच्छी कमाई की। और बात करें अगर इस फिल्म के हम लोग 12 दिनों के टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 12 दिनों में लगभग 183.10 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के 13वें दिन के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो रही थी 11 से 15% की। आफ्टरनून में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो रही थी 28 से 32% की। वहीं दोस्तों इस फिल्म की आज की जो शाम की इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी वो काफी शानदार रही। और आज दोस्तों ये फिल्म अपने 13वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4.80 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा लगभग 188 करोड़ रुपए का। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग, जिसने की कमाई है 181 करोड़ रुपए, और रणवीर सिंह की फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसने कमाई है 184 करोड़ रुपए, इन दोनों ही फिल्मों को पीछे कर दिया है। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने इस साल रिलीज हुई गली बॉय, टोटल धमाल और कई बड़ी फिल्मों को पीछे करते हुए 2019 की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आराम से 220 से 230 करोड़ की कमाई करके सलमान खान की फिल्म भारत को भी पीछे करने वाली है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और कितनी कमाई करेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।